नमस्कार, मैं दलीप तायल हूं और मैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन से बात कर रहा हूं। हाँ, एक खौफ था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मीटू के बाद मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि अगर कुछ चोट लग जाए या कुछ प्रॉब्लम हो तो लोग इसे मतलब मिस इंटरप्रेट करें हो कि ये भाई साहब यहाँ भी रेप सीक्वेंस किया आपने कुछ, तो वो तो एक अपनी जगह है जो बहुत महत्वपूर्ण है और करना चाहिए ताकि सेट पे सब रिलैक्स हो और सबको कंफर्ट लेवल होना चाहिए। सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं आप, क्योंकि ये सीन्स बहुत सेंसिटिव होती है, इसमें लोगों को चोट भी आ सकती है। वो तो मतलब अलग बात है कि ये मतलब इल्ज़ाम आएगा या आरोप आएगा वो अलग बात है, लेकिन चोट भी आ सकती है। बहुत साल पहले मेरा ख्याल, मतलब मैं 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं एक फिल्म कर रहा था उसमें, और उसमें क्या था, उस ज़माने में वो फिल्में बनती थी जिस हर रील में एक रेप सीन हुआ करता था, और हमें बताया गया था सर आप इसका कहानी के बारे में मत, ये इंटीरियर्स में खूब चलती है। खैर, मैं ऐसी एक फिल्म कर रहा था तो वहाँ पर डायरेक्टर ने मुझे साइड पर बुला के, हम रेप सीन कर रहे थे और डायरेक्टर ने मुझे साइड पर बुला कर कहा अरे जब सीन होगा ना तुम जाके यार सब कर देना, खोल खोल रहा है ऐसा वैसा। मैं मतलब मेरा मैं जॉ फेल डाउन, मैंने कहा यार मैंने तो साफ इनकार कर दिया, मैंने कहा ये कैसे भी हरकत है तुम्हें, यार मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं थिएटर से आया हूँ, जो मेरी अपब्रिंगिंग है और जहाँ मैं काम करता हूँ हम ऐसे नहीं करते, तो बताना चाहिए लड़की को कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यार ये दलीप साहब यार क्या कर रहा है, तो मैंने कहा ठीक है बुलाओ उसको, मेरे सामने बोलो उसको जो तुमने मुझे बोला। वो डर गया, चला गया वो। तो जब वो आई मोहतरमा जो थी, जब वो आई तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा, उन्होंने कहा है मुझे करने के लिए, वो तो उनका तो वहीं पर टूट पड़ी, वो रोना शुरू हो गया, भाग गई अपने कमरे में कुंडी लगा दी। तो उसके बाद आधे घंटे बाद डायरेक्टर मुझे कह रहे कि क्या सर आपने मेरी शूटिंग डिस्टर्ब कर दी। मैंने कहा यार तुम तो ऐसी मतलब कह रहे थे कि ये सब करो, तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा थोड़ी बोला था। खैर बहरहाल, तो उसको फिर बाहर ले आए, और मेरा कहने का मतलब है कि एक ज़माना होता था जब लोग मतलब ये सीन्स करवाते थे लोगों से, उन्हें बताते नहीं थे, और आर्टिस्ट के ऊपर मतलब ये जोर डाल देते थे कि आप ये सीन करिए क्योंकि आप सेट पे हैं, सेट आप छोड़ के जा भी नहीं सकते, अगर आप नए हैं तो पूरा मतलब इंडस्ट्री से ही निकाल देंगे आपको। ऐसी चीज़ें होती थी और वो, और बहुत सालों से मैंने ये सीन किया नहीं है। फादर के रोल मिलने लगे मुझे तो मैं 25-30 साल के बाद इस किस्म का सीन कर रहा हूँ वाकई। तो वो याद आई मुझे, और ये लड़की जो जिसके साथ मैं सीन कर रहा था नेहा, वो भी नई थी, तो वो भी मेरे दिमाग, वो भी मेरी सोच थी कि इसको समझाया जाए, और सबरीना जो डायरेक्ट कर रही थी, मैंने हम तीनों बैठे उनको समझाया कि ऐसे ऐसे होने वाला है, इसका स्टोरी बोर्ड जो है यूँ होगा, फलाना होगा, ऐसा होगा, और हम इस तरीके से करेंगे, आपको आप राज़ी हैं, आपको मंजूर है, आर यू ओके विथ इट। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये उनको वीडियो पे कहलवाया, और वीडियो और शूटिंग के बाद जो महत्वपूर्ण है वो भी कहलवाया कि सब ठीक हुआ, और जिस तरीके से हमने उन्हें डिस्क्राइब किया वैसे ही हुआ। अब ये देखो, ये हमारी काम की जगह है, ये हमारी रोजी है, यहाँ हम अपनी कमाई, हमारे लिए ये काम का मंदिर है हमारा, और हम भी चाहते हैं कि लोगों का इम्प्रेशन या लोगों का जो बाहर के लोग हैं वो सोचे कि यार ये फिल्म इंडस्ट्री में सब पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, सब एक दूसरे को मतलब क्या क्या करते हैं, किसी को मतलब इतना एक्सप्लोइटेशन होता है, जो मतलब कमज़ोर है उनका फायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, मतलब हाँ कोई भी इंडस्ट्री में गलतियां होती हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अलग ख्याल है इन मामले में, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो काम मतलब समझदारी से और जिम्मेदारी से निभाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। 40-30 साल पहले अगर आप सेट पे आते तो मतलब फुल मेल कास्ट हुआ करता था, शायद लीडिंग लेडी जो थी एक औरत होती थी,
और डांस डायरेक्टर और उनकी जो हेड ड्रेसर होती थी, या जो हेड, हाँ, हेड ड्रेसर और उनकी जो स्टाफ होती थी वो लेडीज हुआ करती थी। आज आप सेट पे आइए तो इतनी मतलब लेडीज विमेन काम कर रही हैं सेट पे, हर डिपार्टमेंट में, एक सिनेमा सॉरी कैमरा डिपार्टमेंट में, साउंड में, एडिटिंग में, हर जगह, एक्टिंग में, जहाँ आप डायरेक्शन में, जहाँ भी देखिए आप। तो इसको ये ये बहुत अच्छी बात है फिल्म इंडस्ट्री में। अभी इसे बिगाड़ना ही नहीं चाहिए, हमें इस माहौल को मतलब संभालना चाहिए, और वी शुड नर्चर इट सो दैट वुमेन फील कंफर्टेबल टू वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड इन एवरी अदर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। क्योंकि ये जो अभी जो 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 वुमन का वर्कफोर्स जो मतलब मेल्स के साथ जो जुड़ गया है ना, ये बहुत फायदेमंद है। इसका इसका बहुत मतलब फायदा होगा, देश को फायदा होगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा, तो इसको हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। देखो, आरोप और सबूत में काफी फर्क है। अभी आरोप लगा है और ये अभी तक ऐसा सिचुएशन है जो इस समय में इसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं काम करूंगा नहीं करूंगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, अगर आरोप लेकिन साबित हुआ लेकिन लेकिन मुझे मुझे ये, और काफी एक्टर्स हैं जिनके नाम आए जिनके साथ मैं काम कर चुका हूं, लेकिन देखो मेरा इस समय कहना कि मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा, वो मतलब ऐसा हो गया कि मैं उनको कंडेम कर रहा हूँ सबूत के पहले। सबूत आने दो, अगर अगर ये सबूत, अगर ठोस सबूत है और उन्हें ये पाया जाता है कि उनने ये गलती की है, ये दोष है, तो कानून अपनी तरफ से उनको सजा देगी। अगर वो आरोपी साबित हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में मामला जा रहा है सारे, तब आप काम करेंगे कि नहीं? ये काम की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ कि देखो लोग सुधर भी सकते हैं, ये अगर सबक सीखे लोग, और वो जो भी हैं ये आर्टिस्ट हैं, गलतियाँ करते हैं, सबसे गलती होती है ज़िंदगी में। और कोई मतलब ऐसा माहौल भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि भैया मैं कानून से ज़्यादा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, ये गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते, ये भी मौका, गलत हाँ है। मौका देना अगर चाहिए। मौका देना चाहिए लोगों को कि भैया मैंने गलती की है और आइंदा मैं नहीं करूँगा, और दोबारा किया तब तो अलग बात है। लेकिन इस समय मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मतलब कंपैशन जैसे बोलते हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग, मैं नहीं बोलूँगा कि ये लोग मतलब बूढ़े लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये माहौल ऐसा है। बढ़िया, फिल्म इंडस्ट्री में तो है ही, लेकिन आप बाहर देखिए हर जगह हो रहे हैं। अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात चल रही है तो जर्नलिस्ट, आपके जर्नलिस्ट वर्ल्ड में भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो मतलब हर जगह जहाँ ये मतलब नाजायज फायदा उठाया गया है, सब डरे हुए हैं। और अच्छी बात है, डरना चाहिए उन्हें ताकि आगे जाके नहीं करेंगे। थैंक यू सर, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ढेर सर, सारी थैंक यू वेरी शुभकामनाएं मच, आपके प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।